दोस्तों ओप्पो अपने रेनो सीरीज को जल्द ही आगे बढ़ाने वाली है और ओप्पो रेनो 3 के बाद कंपनी ओप्पो रेनो 4 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। साथ ही ओप्पो रेनो 4 की वास्तविक इमेज जो कि ऑफिशियली तौर पे लीक्स की गई और लीक्स हुई इस इमेज में न केवल स्मार्टफोन का रियर पैनल दिखता है बल्कि स्मार्टफोन के नाम की भी झलक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस वास्तविक इमेज में ये भी इशारा मिलता है कि ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और इसके पिछले हिस्से में 4 रियर कैमरे दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि ओप्पो ने पिछले 7 दिसंबर में रेनो 3 और रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च किए थे और ये सभी स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी और क्वाड कैमरा सेटअप से लैस है। दोस्तों इसके अलावा ट्विटर द्वारा शेयर की गई वास्तविक इमेज में देखा जा सकता है कि ओप्पो रेनो 4 में 4 सेंसर जो कि पिछले हिस्से पर LED फ्लैश के साथ स्थित है और फोन की इमेज को आप देख सकते हैं कि 3 कैमरे वर्टिकली स्थित है जबकि 4th कैमरे को निचले हिस्से के कैमरे के बगल में जगह दी गई है और वहीं LED फ्लैश जो कि पहले कैमरे के बगल में जगह दी गई है। साथ ही स्मार्टफोन का रिक्टेंगल डिजाइन रेनो 3 सीरीज की तुलना में अधिक स्पष्ट है और इसके अलावा फोन के बैक पैनल के निचले हिस्से की दाएं तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। साथ ही इस इमेज में ये भी समझ आता है कि ये ओप्पो का फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और इस लाइव इमेज में ओप्पो रेनो 4 के 2 कलर वेरियंट भी देखे जा सकते हैं जिसमें ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि इस वास्तविक इमेज में ये खुलासा नहीं हुआ है कि ओप्पो रेनो 4 सीरीज कब लॉन्च होगी लेकिन ऑफिशियली तौर पे ये जरूर कहा गया है कि ओप्पो रेनो 4 सीरीज बस अब लॉन्च होने को ही है और इसके साथ ये भी जानकारी दी गई कि ओप्पो रेनो 4 में बेहतर नाइट टाइम कैमरा परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। तो इस बात का पूरा संकेत है कि इस आने वाले सीरीज में कैमरा को लेकर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ओप्पो रेनो 3 सीरीज स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी और क्वाड कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुए थे और रेनो 3 प्रो और रेनो 3 स्मार्टफोन पिछले 7 दिसंबर में लॉन्च हुए थे लेकिन इंडिया में केवल रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन को ही लॉन्च किया गया था जो कि MediaTek Helio P95 चिपसेट के साथ देखने को मिलता है। साथ ही ये स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क का सपोर्ट भी नहीं दिया गया था लेकिन इस बार ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन को इंडिया में 5G नेटवर्क के साथ लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही प्राइस की बात करें तो अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन ओप्पो रेनो 3 प्रो की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में 36,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च किया गया था तो उम्मीद की जा सकती है कि ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन 40,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके अलावा आगे किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।